नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षा भर्ती 2023। इस वैकेंसी को लेकर के सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपका एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद में जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार बन रही है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, और आपकी जो आंसर किया कब तक जारी की जाएगी। दोस्तों पूरा एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारी जानकारियाँ आज हम आपको लेकर के आए हैं और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जितना आज हम इसमें बता रहे हैं, अगर आपका स्कोर इतना बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करना, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी स्टूडेंट्स में। आपके लाइक का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके लाइक से दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका एग्ज़ाम दो शिफ्ट में हुआ था। पहले शिफ्ट में जितने भी मेल कैंडिडेट्स थे उनका एग्ज़ाम हुआ और सेकेंड शिफ्ट में फीमेल का एग्ज़ाम कराया गया। अब यहाँ पर देखिए, कुल आवेदन आपके लगभग 7 लाख थे इस वैकेंसी में। बीएड और बीटीसी, इन 7 लाख में दोनों कैटेगरी के बच्चे थे, बीएड भी और बीटीसी भी। और इस वैकेंसी में लगभग 50% का रेशो था आपका, 50% बीएड थे, लगभग 50% बीटीसी थे। तो लगभग अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था जिसमें बीएड को बच्चों को बाहर करने की बात की गई, तो 3.5 लाख बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में से बाहर होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वैकेंसी में 75 से 80% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 20 से 25% बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपका ये एग्ज़ाम छोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे की देखिए, एक और यहाँ पर आपको एक आर्टिकल और ये पढ़िएगा, शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। दोस्तों ये एक न्यूज आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो आपका इस बार वैकेंसी हुई है इसमें अगर हम लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो आपका एग्ज़ाम का लेवल कहीं भी इजी देखने को नहीं मिला। जिस बच्चे से भी पूछा, जो भी कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छी तैयारी करके गए थे, सभी बोल रहे थे कि भाई काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि भैया जो गणित था, इतिहास था और आपकी जो करंट अफेयर वगैरह ये क्वेश्चन रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, पहले आपको बताता हूँ मैं आपको एक आंसर की कब तक आ सकती है। तो दोस्तों आप चिंता ना करिएगा, बहुत जल्दी इस वैकेंसी को कराया जाएगा और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगभग इसी सप्ताह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ऑफिशियली आंसर की जारी होगी तब भी आपको हम वीडियो बना करके समझाएंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो देखिए, ये एक अनुमानित कट ऑफ हम आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, मॉडरेट टू हाई लेवल, कहीं इजी देखने को नहीं मिला। और ये कट ऑफ मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप इतना स्कोर अगर आपका होगा तो कहीं ना कहीं आप एक दावेदार हैं नौकरी लेने का, सिलेक्शन लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें तो यू आर मतलब जनरल की कट ऑफ 59 पर जा रही है, और ई डब्ल्यू एस 48, ओ बी सी 55, ई बी सी जो एक बिहार की कैटेगरी है 50, और आपकी एस सी कैटेगरी 45-45, और एस टी की 42-42, और फिजिकली हैंडीकैप लगभग 40 क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको दिख रही है। ये आपके कट ऑफ है, और इस कट ऑफ में आप प्लस माइनस 5 नंबर आप कर लेना, कितने प्लस माइनस 5। फीमेल कैटेगरी जनरल के लिए 54, ई डब्ल्यू एस 44, ओ बी सी 48, ई बी सी 46, एस सी के लिए 41, एस टी के लिए 43, पी एच के लिए 40। यहाँ पर इसमें भी हमने प्लस माइनस 5 नंबर आपका यहाँ पर किया है। अब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना आखिर आपका स्कोर क्या जा रहा है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, तो वो जो जनरल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, जनरल में काउंट किए जाते हैं, तो जितने जनरल के आपके कट ऑफ रहेगी लगभग उसी नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, इतना स्कोर अगर आपका है तो कहीं ना कहीं इस बार आप पूरे दावेदार हैं सिलेक्शन के। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, अभी हमारी टीम और अच्छे से आपके एग्ज़ाम का एनालाइज कर रही है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आपके सामने रखेगी, जो भी हमें तथ्य आपके लिए वैकेंसी से संबंधित मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट्स करना और ये बताना कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है, इस बार कितना स्कोर अभी आपका बन रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।